अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खैरुन्निसा। आइए देखते हैं 22 जुलाई की स्पीड न्यूज़। यहूदी सहाफ़ी को मक्का मुकर्रमा में दाखिले में मदद फराहम करने वाला एक सऊदी शहरी गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सहाफ़ी के पास अमेरिकी पासपोर्ट भी मौजूद। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस में ख़वातीन की भर्तियां। सऊदी वजारत दाखिला ने सिपाही के अहदे के लिए ख़वातीन उम्मीदवारों से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का दिया हुक्म। ख़वातीन को बिना महरम काम करने पर राज़ी नहीं तालिबान। अफगानिस्तान के तमाम वजारतों और महकमे में काम करने वाली ख़वातीन मुलाज़मीन से कहा कि अपनी जगह अपने करीबी रिश्तेदार को सौंप दे जिम्मेदारी। फ़लस्तीनियों और इसराइल फोर्सेस के दरमियान झड़पों में आई शिद्दत। मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़े गाँव बेता के करीब वाक़े जेल सबा बनी जंग का मैदान। अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात। ओपन प्लेक्स फ्रेमवर्क की अंदर मजीद ताउन की अहमियत पर दिया जोर। CIA के डायरेक्टर विलियम बेनेज ने कहा कि पुतिन की बीमार होने से मुतालिक कोई इंटेलिजेंस इत्तला मौजूद नहीं, वो तो बहुत सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। रूस ने फिर एक मरतबा यूक्रेन के साथ बातचीत के बारे में दिया मुस्बित रद्देअमल। कहा, क्यों हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले। रूस की जानिब से यूरोपीय ममालिक को गैस सप्लाई फिर की गई बहाल। दोबारा गैस सप्लाई बंद होने का अंदेशा। जर्मनी ने कहा कि तवन्नाई को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेन के इलाकों में रूसी हमलों में आई तेजी के बाद रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन का फौजी तैयारा US-25 मार गिराने का किया ऐलान। एक दिन पहले कैंसर में मुब्तला होने का बयान देने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन अब हो गए कोरोना वायरस का शिकार। व्हाइट हाउस में हो गए क्वारंटाइन। अहानत रसूल से मुतालिक जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ उठाए गए इकदामात को वाजे करे। अदालत ने मरकज और रियासतों को दी हिदायत। द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की पहली कबायली और दूसरी खातून सदर। PM मोदी ने दी मुबारकबाद। कहा, भारत के दूर दराज हिस्से में पैदा होने वाली भारत की बेटी बनी हमारी सदर। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने सदारती इलेक्शन में हुई क्रॉस वोटिंग और अपोजिशन की एकता पर किया तंज। कहा, अपोजिशन के MLAs ने अपने दिल की आवाज़ सुनकर मुर्मू जी को किया वोट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी TMC नहीं लेंगी हिस्सा। पार्टी से मशवरा किए बगैर नायब सदर के उम्मीदवार के इंतखाब पर जाहिर की नाराजगी। पार्लियामेंट में मानसून सेक्शन का 5वां दिन भी हंगामा। महंगाई और GST के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के इहाते में मोदी जी मुखालिफ नारे लगाते हुए किया एहतजाज। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और राहुल से डरती हैं, इसीलिए इनके खिलाफ मरकजी एजेंसियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। कांग्रेस की खातून लीडर अलका लांबा ने स्मृति ईरानी की बेटी पर लगे धोखेदही के इल्ज़ाम पर जवाब किया तलब। स्मृति ईरानी से कहा कि देश इस बारे में जानना चाहता है। समाजवादी पार्टी कायद आजम खान ने लखनऊ के लोलू माल में नमाज पढ़ने को लेकर हुए तनाजे पर दिया मजाकिया रद्देअमल। कहा, ये लोलू या टोलू के अलावा भी बहुत कुछ है काम। नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आई दिल्ली की केजरीवाल सरकार। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ LG ने उठाया सख्त इकदाम। शराब पॉलिसी की होगी CBI जांच। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की राज्यसभा में रिपोर्ट। 2017 से 2020 के दरमियान मुल्क में तकरीबन 17 लाख सड़क हादसात पेश आए। 85,000 हादसात के साथ तेलंगाना मुल्क में 90वें नंबर पर मुकर्रर। दोनों तेलुगु रियासतों में 13 शादियां करने वाले शादी धोखेबाज शिवाशंकर को साबिराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीवी नंबर 13 की शिकायत पर गच्ची बोली पुलिस ने की कार्रवाई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में जुम्मे की सुबह से ही जबरदस्त बारिशें जारी। महकमे मौसमियात की मरकज की पेशकयासी 25 जुलाई तक कई मुकामात पर होगी हल्की बारिश। हैदराबाद में आइंदा 2 दिन बारिश का अलर्ट। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। बारिश रुकते ही फौरी जल्दबाजी में सड़कों पर ना निकलने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का दिया मशवरा।
कंगना रनावत की आइंदा फिल्म इमरजेंसी में एक्टर अनुपम खेर सियासतदान जेपी नारायण के किरदार में आएंगे नजर, जबकि कंगना साबिक पीएम इंदिरा गांधी का निभाएंगी किरदार। सोने की कीमतों में मामूली इजाफा, हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 50,620 रुपये फी 10 ग्राम, जबकि चांदी 616 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।